जयपुर से बड़ी खबर है। डीसीपी ईस्ट काविंद्र सागर का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस टीम ने बस्सी थाना इलाके में पकड़ी है नशे की खेप। दो शातिर मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से 1 किलो 75 ग्राम चरस बरामद की गई है। बरामद हुई चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो बताई जा रही है करीब 30 लाख रुपए। दोनों तस्कर छोटी पुड़िया बनाकर करते थे चरस की सप्लाई। डीसीपी ईस्ट काविंद्र सागर ने स्पष्ट किया है, किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे नशे के सौदागर। युवाओं को नशे की लत से बचाना पुलिस की प्राथमिकता है और इसलिए ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। दोनों तस्कर छोटी पुड़िया बनाकर ये चरस की सप्लाई कर रहे थे। डीसीपी ईस्ट काविंद्र सागर ने ये साफ कर दिया है पूरी तरीके से कि किसी भी सूरत में नशे के जो सौदागर एक्टिव हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं को नशे की लत से पुलिस बचाने के लिए ये कार्रवाइयां कर रही है और यही पुलिस की प्राथमिकता है। जो छोटे छोटे ये जो एक तरीके से गैंग होते हैं तस्करों के माध्यम से, वो युवाओं तक छोटी छोटी पुड़िया में आप देखेंगे ये चरस अवैध मादक पदार्थ पहुंचाते हैं, जिनका सेवन करते हैं युवा जो इसकी चपेट में आ जाते हैं उनको बचाने के लिए ये कार्रवाइयां बेहद अहम हो जाती हैं। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी फुलाइन पर है। सत्यनारायण, ये जो कार्रवाई है जाहिर सी बात है बहुत बड़ी भी कार्रवाई है और ऐसी होनी भी चाहिए। जिस तरीके से काविंद्र सागर ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाइयों के जरिए नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आप बताइए कि ये जो कार्रवाई है क्या आगे किस तरीके से रहने वाली है और यहाँ तक इन तक पुलिस कैसे पहुंची? दीपिका, देखिए पूरे राजस्थान के अंदर तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है और रोजाना इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है ये अपने आप में काफी अलग है, क्योंकि डीसीपी काविंद्र सागर को सूचना मिली थी कि बस्ती इलाके के अंदर जो बड़े तस्कर आए हुए हैं जिनके पास लाखों रुपए का अवैध मादक पदार्थ है, तो इस सूचना को डेवलप किया गया। डेवलप करने के बाद में स्पेशल टीमों को वहां भेजा गया, तो 2 शातिर अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा गया है जिनके पास से 1 किलो 75 ग्राम शुद्ध चरस बरामद हुई है। इस चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जा रही है 30 लाख रुपए। अब दोनों से पूछताछ शुरू की गई कि चरस कहां से लेके आए थे। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि ये तस्कर हैं जो छोटी छोटी पुड़िया बनाकर चरस सप्लाई करते हैं और जो युवा लोग हैं उनको नशे की लत लगाते हैं। ऐसे में इनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस प्रकरण के अंदर आज शाम तक बड़ा खुलासा पुलिस कर सकती है। दीपिका, और बिल्कुल सत्यनारायण, ये जो बताया जा रहा है कि छोटी छोटी पुड़िया बनाकर ये सप्लाई की जा रही थी चरस, किस तरीके से ये चैन पूरी इनकी बनी हुई थी, अभी तो 2 शातिर पकड़ में आए हैं, कितने लोग इनके गैंग में शामिल हैं, क्या इसको लेकर पुलिस ने कुछ जानकारी दी है, साझा की है क्या कोई खबर? देखिए, चरस की जो सप्लाई होती है वो सोने की तरह होती है, यानी कि तोले के रूप में चरस को बेचा जाता है। 1 तोले का मूल्य कितना लगाते हैं ये तस्कर के ऊपर है। तोले के हिसाब से चरस की बिक्री होती है, विशेषकर जो विदेशी पर्यटक राजस्थान आते हैं उनके लिए काफी मशहूर है चरस और उनको भी बेची जाती है, लेकिन विशेषकर जयपुर के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए जो अभियान चलाया गया है, अभियान काफी सराहनीय है और माना जा रहा है कि आज जो कार्रवाई हुई है इस कार्रवाई के अंदर इनकी चैन को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। इनसे पूछताछ के बाद में शाम तक करीबन 5 से 10 गिरफ्तारियां और भी हो सकती है, तो ऐसे में हम इंतजार करना होगा जब आज पुलिस शाम को इस पूरे प्रकरण के अंदर बड़ा खुलासा करेगी। दीपिका, चलिए ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।